कैरी करके उसको अंदर व्हीकल्स के अंदर उसको मॉडिफाइड करते हैं, पैकेजिंग होती है, उसके बाद वो अदर पार्ट ऑफ द सेल में जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वो दोबारा उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रोटीन कम्स फ्रॉम, अगर इस प्रोसेस को हम लोग इस तरह से करके देखें, प्रोटीन कम्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ ये सिंथेसाइज हो रही है, जहाँ इनकी सिंथेसिस हो रही है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ इनके प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोटीन ट्रांसफ़र टू द गॉल्जी बॉडीज़। दिस इज द सिस फेज ऑफ द गॉल्जी एपरेटस। इन गॉल्जी दे बिकम मॉडिफाइड और पैक्ड इन टू द वेसिकल्स। देन गॉल्जी बॉडीज ट्रांसफ़र दीज प्रोटीन्स टू द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेल। फिर वो पैकेजिंग वेसिकल्स की शक्ल में, उनके वेसिकल के फॉर्म में या वैक्यूल की फॉर्म में वो वहाँ से निकलते हैं और फिर सेल के दूसरे पार्ट्स में जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वो प्रोटीन ट्रांसफ़र होते हैं। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये गॉल्जी एपरेटस है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सारी इसकी ट्रांसपोर्टेशन का पूरा वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन यहाँ पर आते हैं, यहाँ वो पैकेजिंग होती है, फिर वो इस तरह से निकल के सेल के दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट एपरेटस जो है हम डिस्कस करेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में।